अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको सैर कराते हैं हम दुबई की। ये अरब अमारात अहम रियासत भी है और यहाँ की सैर भी करवाएंगे हम आपको। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम आपको, अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं गोल्ड की, तो उसके बारे में भी मालूमात देंगे। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको गोल्ड के एक आइडिया हो जाए। और ये डिज़ाइन जो है ये दुबई के हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान और इंडिया के डिज़ाइन से देखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, आप लोग इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में जहाँ पर भी रहते हैं, मतलब आप लोगों ने डिज़ाइन देखे हुए हैं। ये दुबई के डिज़ाइन हैं, वहाँ के डिज़ाइन थोड़े ब्रॉड होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं, जिसको वेयर करने का बहुत अच्छा लुक आता है। ये कलेक्शन दुबई की है और दुबई, सऊदीया, सिंगापुर ऑलमोस्ट एक जैसे डिज़ाइन होता है। दुबई सऊदीया में 21 कैरेट और 24 कैरेट चलता है, लेकिन पाकिस्तान में 22 कैरेट चलता है। तो पर बाहर का 21 कैरेट होता है ना, पाकिस्तान की 22 कैरेट से ना ज़्यादा अच्छा होता है। और बाकी 21 कैरेट इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बाहर के जो गोल्ड्स होते हैं ना, गोल्ड के डिज़ाइन जो भी है, वो ना वेस्ट चीज़ें कम मिलाते हैं। वैसिन मीन्स खोर वहाँ पर कम लाता है। और पाकिस्तान में तो आप लोगों को पता ही, गोल्ड कलर ही चेंज हो जाता है। और बाकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि ना, अगर 1 लाख का एक गोल्ड है, अगर आपने 1 लाख का गोल्ड बाई किया, तो ना वो लोग मैकिंग और वैसेज के नेम से ना 20% वो लोग ऑब्वियसली काटेंगे। तो ना 20% काटेंगे तो जाहिर सी बात है 20,000 आप लोगों को उसी वक्त लॉस हो जाएगा। और जब आप लोग सेल करने जाएंगे गोल्ड को, तब अगर गोल्ड के रेट बढ़ेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अगर गोल्ड के रेट नीचे आएंगे तो आप लोगों को लॉस होगा। इसलिए आप लोग जब भी जाएँ ना गोल्ड बाई करने, तो लोग आप उन लोगों से बोलें कि ना वैसे ना कम होनी चाहिए, फिर आप लोग बाय करें। जितनी कम होगी ना वैसे तो मैकिंग आप लोग कम करवाएंगे, उतना आप लोगों को प्रॉफिट होगा। वैसे अगर आप लोगों को गोल्ड के हवाले से कोई मालूम चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट्स में हमारे को बताएं और कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग उसके हवाले से भी हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग उसे देख लेगा। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आप लोग जाके अपनी वीडियो देखें। बिलखसूस इंडिया और पाकिस्तान से यहाँ पर जो कारीगर होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया से कारीगर यहाँ पर होते हैं, माहिरीन हैं, मगर इंडिया और पाकिस्तान में लोग ज़्यादा अच्छा सोने के बारे में जानते भी हैं और कारीगर भी यहाँ पर होते हैं। और डिज़ाइनिंग के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान ही, मतलब ये डिज़ाइन इसके जो बनाते हैं वो आगे हैं और एक से एक डिज़ाइन बनाने वाले माहिरीन हैं। अच्छा, यहाँ ख़रीदारी करने में एक फ़ायदा ये भी है कि जब यहाँ से ख़रीदारी आप लोग कर लेंगे, तो जब आप अपने मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर भी इसका अच्छा प्राइस होता है। कटिंग वगैरह जो पेस्टिज होती है वो इतने पैसे कटते नहीं है, नुकसान नहीं होता। और यहाँ का गोल्ड भी खालिस होता है, बाकायदा स्टैम्प लगी होती है मुख्तलिफ़ जगहों पे, मतलब मुख्तलिफ़ ज़ेवरात पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टैम्प्स होते हैं। जैसे चूड़ियाँ होती हैं उनके अंदर वाली साइड पे स्टैम्प होती है, लॉकेट्स के बैक साइड पे होती है, जो चेन्स होती हैं उनका जो लॉक होता है उसके ऊपर होती है। तो इस तरीके से वहाँ पर स्टैम्प भी होती है। और जो दूसरे ममालिक हैं जो लोग, वो वहाँ पर इस गोल्ड को दिखाते हैं, सुनार वगैरह को, तो इसका अच्छा प्राइस भी देते हैं और इसको मुस्तनद माना भी जाता है। तो दोस्तों, ख़रीदारी के लिए और ख़ास तौर पर गोल्ड की ख़रीदारी के लिए, सोने की ख़रीदारी के लिए बहुत अच्छी जगह है दुबई। और आप लोग ज़रूर जाएं, और जाएं तो वहाँ से कम अज़ कम वहाँ गोल्ड की ख़रीदारी आप लोग ज़रूर करें। तो मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह ये मौका दे, आप वहाँ पर टूरिस्ट के तौर पे भी जाएं और वहाँ पर शॉपिंग भी करें और खुश रहें। विश यू गुड लक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।